लेती है सिगरेट, सिगरेट लाग पड़ती है, सीट पीक है। क्या इंडिया के लोग, अच्छा कोई भी देश का लोग अपने देश में काम करते हैं कि हर देश के लोग हर देश देश में जाकर काम करते हैं? जो इंसान जैसा रहता है ना, दूसरे को भी वैसे बनाने की कोशिश करता है। हेलो नमस्कार, मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अफरोज रब्बानी एंड यू वाचिंग रब्बानी व्लॉग्स। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या बात है? जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सऊदी में, और सऊदी अरब में हम लोग ड्राइवर की ड्यूटी करते हैं, तो हमारे आसपास काफ़ी सारे दोस्त रहते हैं, वो भी सब ड्राइवर ही हैं। तो हर दोस्त के ऊपर क्या क्या बीतती है ये भी मैं आपको सोच रहा हूँ कि दिखाया जाए, और उनसे एक इंटरव्यू टाइप का वीडियो बनाया जाए, ठीक है? तो जिससे क्या होगा कि आपको भी पता लग जाएगा कि आखिर सऊदी अरब में क्या होता है, ड्राइवर की लाइफ क्या होती है। और मतलब हर घर का अलग अलग नियम कानून होता है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में हमारे आसपास पड़ोसी होते हैं, सब वैसे ही होता है, बस थोड़ा सा फर्क हो जाता है क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है, अपने इधर मतलब अपने लैंग्वेज हो रहा है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिक्कत होता है इनकी लैंग्वेज सीखने में, और मतलब कितना भी दिन रह जाओ दिक्कत तो होती है। तो मैं इस टाइप का वीडियो बनाऊँगा जिससे कि आपको पता लगे कि हर घर का किस तरह से वहाँ पे उसकी स्थिति रहती है, कोई घर अच्छा रहता है, कोई थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो फाइनली हमारे एक दोस्त मिल गए और उसकी थोड़ी सी कहानी आपको दिखाते हैं। तो चलो फटाफट से इंटरव्यू चालू कर दें और उसकी दिल की बात को जानने की कोशिश करेंगे। लेती सिगरेट, सिगरेट लाग पड़ती है, सीट पीक है। हैं, सीट पीक है बोलती है, मतलब ज्यादा बीपी रेंज हुई तो उसका, हैं ज्यादा गुस्सा आया, अगर घर का भी कुछ टेंशन रहा, लड़की कुछ करी, बाजू बैठे को उसका गुस्सा आ रहा, नहीं मेरे ऊपर निकालती रहती गुस्सा। हो अभी रमजान में बोल के डेली एक पैकेट पीती है, रमजान में रहा दो पैकेट पीती, तकरीबन सिगरेट का 3,000 रियाल होता है, 3,000 रियाल एक महीने को। औरत नहीं पी सकती 20। देखो एक बात होता है, आदमी कहता है औरत का दिमाग घुटने में होता है, लेकिन दिमाग ना औरत का ज़्यादा तेज होता है आदमी से, ठीक है? रिसर्च में पता चला है कि औरत जो है और ज़्यादा चीज़ें याद रख सकती है। 13 काम अगर दे दिया जाए, ठीक है, आदमी को, उसमें से 4-5 भूल जाएगा वो, औरत को दे दो ना तो एक काम भी नहीं भूलेगी, सब कर देगी। चाबी देना ना उसको, भी निकलती है थोड़ी देर। क्यों आपसे बोली था, क्यों रख दे मुझसे ले, इसे मुझसे ले, मत सलाम रख, क्या हो चाबी रख दे मजलिस में, अब मजलिस नहीं नहीं देना पड़ता, चाबी दे मत सले में, देख गया उसको बोल बुखार कॉफी सब करके दे। अभी अभी तुरंत निकली तो और बहुत ज्यादा चिल्लाती, मैं तेरे को बोली थी नहीं थोड़ी देर में निकल, तुम कहाँ गया कितने निकली बोले चिल्लाती ना, चिल्लाती जाओ देख आओ, और उसके बाद तो जब तक चलते बकाला पे रोटी ले आते, खाना मिला खाते आराम से, ठीक है? ठीक। हमारे विक्रम भाई कुछ कह रहे हैं, दोबारा बोलिए। मैं बोल रहा था भाई कि क्या इंडिया के लोग, अच्छा कोई भी देश का लोग अपने देश में काम करते हैं कि हर देश के लोग हर देश देश में जा जाकर काम करते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि मान के चलो हम इंडिया के सऊदी में काम कर रहे हैं, तो सऊदी के भी हो, पूरा सऊदी में थोड़ी काम कर रहे हैं, कोई ना कोई दूसरे देश में जाकर काम करता होगा, चाइना हो गया, चाहे बांग्लादेश हो गया, चाहे कोई भी देश हो गया, अमेरिका के लोग पूरा अमेरिका में नहीं काम करते होंगे, दूसरे देश में जरूर जाते होंगे, ठीक है? काम करने के लिए। हाँ, तो ऐसा थोड़ी है कि एक देश का आदमी जो है उसी देश में काम करे, नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई देश में कहीं का जरूर काम करता होगा जहाँ उसको अच्छा लगे। हमारे जानने में तो, जानकारी में तो नहीं है कि उसी देश का आदमी पूरा हर एक आदमी अपने ही देश में काम करे, जरूर उसमें से कुछ आदमी ऐसे होंगे जो दूसरे देश में काम करते होंगे। यही सोच रहा था मैं कि कहीं अपने देश के जैसे लोग है, बेरोजगारी जैसे है, वैसे पूरा देश में तो है नहीं, तो कहीं अपने देश में काम नहीं मिलता है तो बाहर आता है, तो यहाँ के लोग भी अपने इंडिया में जाकर काम करते हैं कि नहीं करते हैं? ये पहले करते थे ना सऊदी के लोग जाके इंडिया में काम, आज से 40-50 साल पहले बिजनेस करते थे, हाँ ठीक है, 40-50 साल पहले बिजनेस करते थे, ठीक है, कुछ भी करते थे, वो करते थे ना, तो ऐसे ही हर देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई देश का आदमी जा काम करता है, वही देश के बिजनेस करके वो यहाँ आके कि बड़े बड़े कंपनी बना लिया, और इंडिया कंगाल करता हो गई। तो कैसा लगा? अच्छा लगा, पता लगा कि कैसा कैसा घर होता है।
तो बस आप सोच रहे होगे कि यार ये तो हमारे घर में भी होता है। यार दुनिया है, ठीक है, हर घर में होता रहता है, चाहे आप ड्राइवर हो, वही आपके फैमिली में भी होता है, वही आपके पड़ोसी से भी होता है, वही आपके गांव में भी होता है। बस फर्क यह है कि सब इंसान का जो समझ है वो अलग अलग होता है। बस कोई अच्छा इंसान होता है, कोई बुरा होता है, कोई थोड़ा सा मिडल में होता है, मतलब अच्छा बुरे के बीच में होता है। तो बस इंसान है तो गलतियां करता ही है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता है, और वो हमें उस हिसाब से बनाना चाहता है जैसा वो सोचता है, ठीक है। मान के चलो अगर हमारा सोच कुछ अलग तरीके से है, तो अगर कोई आदमी है या फिर कोई हमारे ज़िंदगी में जब आता है, तो मैं सोचता हूँ कि यार उसे मैं इस तरह से बनाऊँ। अगर वो आदमी उस तरह से नहीं बनता तो फिर हमें गुस्सा लगता है, हम उसे बुरा भला कहते हैं और उसे गालियाँ वगैरह भी दे देते हैं, ठीक है। तो ये है कि मतलब जो इंसान जैसा रहता है ना, दूसरे को भी वैसे बनाने की कोशिश करता है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और आज का मतलब वीडियो में कुछ ज़्यादा ही दूसरे वे में चला गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नई तरीके से जो हम इस चैनल पे कुछ लाने की कोशिश कर रहे हैं आपको पसंद आएगी। अगर आप चाहते हो कि इस तरह से और भी वीडियो हम लेके आएँ, तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हो नीचे। बाकी आप वहीं लाल बटन भी होगा उसे दबा के सब्सक्राइब भी कर लो, और हाँ लाइक वाला बटन भी साइड में रहता है यार, दबाओ और देखो कलरफुल किस तरह से YouTube ने चेंज किया है, लाइक वाले बटन में कुछ चेंजिंग किया है, दबाओगे तो आपको पता लगेगा। तो चलो फाइनली आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते, उम्मीद करता हूँ आपको ये देख के अच्छा लगा होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय।